हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। गाइज, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3 का इंट्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे। इसमें क्या है, अभी तक हमने x और y की वैल्यूज निकाल रहे थे। दो इक्वेशंस थे हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे हमारे पास। उन इक्वेशंस को यूज करके हम उनको ग्राफ में प्लॉट करके हम x और y की वैल्यूज निकाल रहे थे। हर बार ग्राफिकली प्लॉट कर रहे थे, वो होता था ग्राफिकली मैथड। ओके, तो अब हम देखते हैं एल्जेब्रिक मैथड। एल्जेब्रिक मैथड में हमारे पास ये तीन मैथड्स आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। ओके, हम ये पढ़ेंगे अभी 3.3 में, 3.4 में एलिमिनेशन मैथड एंड 3.5 में हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। ओके, तो अभी हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मैथड को लेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन 3.3 का है। और फिर 3.6 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लेट्स सी व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मैथड। अब देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर है क्या। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन दे दिए हैं। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, तो अब मैं क्या करूं, इनमें से जो भी आपको ईजी लग रहा है इक्वेशन उसको पकड़ लेते हैं। मुझे ईजी लग रहा है इक्वेशन नंबर 2, ईजी मतलब थोड़ा सुलझा हुआ सा लग रहा है। ओके, तो इक्वेशन 2 अगर मैं ले लेती हूँ तो क्या होता है, एक्स प्लस 2y = 3 है। ठीक है, अब मैं इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करूंगी। या तो मैं इसको कर सकती हूँ x = 3 - 2y, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ y = 2y = 3 - x एंड देन y = 3 - x/2। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया है, सिर्फ किसी एक वेरिएबल के ऊपर ही रख दिया है। ठीक है, कैसे लिखा है इसको, ये वाले टर्म को मैं इक्वल्स टू के इधर लेके चली गई तो प्लस साइन था तो माइनस हो गया ये। ठीक है, माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, x = 3 - 2y बन गया। इतना तो सभी को पता है। और वैसे ही अगर मैं y के टर्म पे निकाल रही थी तो क्या था, x + 2y = 3 था। तो मैं क्या कर रही हूँ, y के टर्म पे निकाल रही हूँ तो 2y इधर रखा, 3 x को शिफ्ट कर दिया तो प्लस का माइनस x हो गया। अब y के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2, तो इस तरफ जाके वो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ये ऐसे बन जाता है x और y के टर्म पे। ओके, तो हमें किसी एक वेरिएबल पे इसे कन्वर्ट करना है। तो अब मैं किसी एक वेरिएबल पे अगर कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ इसे x के टर्म पे कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, क्या था, x = 3 - 2y, ये x के टर्म पे आ गया, सिर्फ x के वेरिएबल पे आ गया। तो इसको मैं ले लेती हूँ नाम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मुझे ये x की वैल्यू पता है, x = 3 - 2y, तो मैं क्या करती हूँ, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट आउट कर देती हूँ। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ओके, जिस इक्वेशन से आप ये बनाए हो उस इक्वेशन में पुट नहीं करना है, वरना आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। उसके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है जिससे आप नहीं बनाए हुए इस इक्वेशन 3 को। क्लियर है, तो हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, 7x - 15y = 2 है। अब x की जगह पे क्या रखना है मेरे को, 7 × 3 - 2y - 15 = 2। सिर्फ x की जगह पे मैंने ये वैल्यूज रखी है। ओके, बाकी तो एज इट इज ही रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको ओपन अप करते हैं। ओपन अप करने के लिए क्या करेंगे, पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 = 21, माइनस का माइनस। अब 7 को 2y से मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 = 14 और y का y। क्लियर, और बाकी सारे इक्वेशन तो एज इट इज, 15y = 2। क्लियर है, अब क्या हो गया, ये 21 - 14 और 15 कितना हो जाता है, 29y = 2। ये हो गया इतना। अब ये आ गया यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है, ये 2 आ गया, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको, तो -20y = 2। अब 21 को मैं इस तरफ ले आती हूँ तो प्लस था, तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ये कितना हो गया, -29y = -19 हो गया। तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल जा रही है यहाँ से, -19।
अपॉन माइनस 29. माइनस माइनस गेट कैंसिल, लेकिन और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. तो y इक्वल्स टू मिल गया हमको 19 अपॉन 29 मिल गया. क्लियर है? 19 अपॉन 29 किसकी वैल्यू मिल गई मेरे को? y की वैल्यू मिल गई. अब हम क्या करें, y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं. क्या लिखते हैं हम अब? पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29. इतना आया था ना, 19 अपॉन 29 आया. ओके, तो अब उस वैल्यू को हम किस में पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, तभी हमें ये x की वैल्यू मिल पाएगी. क्योंकि हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y है. y यहाँ पे y के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29. ओके, तो अब ये वैल्यू पुट कर दिया. अब इसे सॉल्व आउट करते हैं. सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 इंटू 19 कितना जाता है, 13 अपॉन 29. अब इसमें 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं रहता है तो 1 लिखते हैं. एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 29 माइनस 38. अब 3 इंटू 29 क्या होता है, 87 होता है. आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 87 माइनस 38 अपॉन 29. ओके, व्हाट इज दिस? अब 87 माइनस 38 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 49 अपॉन 29. ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये काई की वैल्यू चलती आ रही थी हमारे पास. काई की थी, x की वैल्यूज थी. ओके, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, x की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ पे 19 अपॉन 29. और y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, x की वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पे, 49 अपॉन 29. How much? 49 अपॉन 29 मिली x की वैल्यू. और y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, y की वैल्यू हमें मिल गई थी 19 अपॉन 29. क्लियर है? ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई. थोड़ा सा लग रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे, वो प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आपको इजी लगता जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टेप वाइज हमने क्या क्या किया सब्स्टिट्यूशन मेथड में. ओके, तो फर्स्ट क्या किया, वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस. हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे. इससे पहले नेमिंग कर दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. कोई भी इक्वेशन ले लिया हमने. क्या ले लिया था, इक्वेशन नंबर 2 को पिक किया था. ओके, राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर. अब हमको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है कि वो किसी एक के वेरिएबल पे रहे, एक ही वेरिएबल पे. तो मैंने ax पे लिखा था, जो कि किसके वेरिएबल पे था, y वेरिएबल के टर्म पे था, 3 माइनस 2y. ये लिख के मैंने इसे क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. लेट अस कंसीडर द इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 को हमने ये कंसीडर कर दिया. ओके फाइन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x. अब हमारे पास वैल्यू ऑफ x क्या थी, ये थी. उसको सब्स्टिट्यूट करना था किसमें, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना था इक्वेशन नंबर 1 में. मतलब पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो ये भी कर दिया. ये किया तो हमें y की वैल्यू मिली कितनी, 19 अपॉन 29 मिली. y की वैल्यू मिल गई थी इतनी. तो अब थर्ड स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. अब y की वैल्यू मिली तो उसको फिर इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करना था. तो पुट करके हम देख चुके, तो हमें कितना मिला था, हमें क्या मिला फिर, x इक्वल्स टू 49 अपॉन 29. तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई थी, x की वैल्यू मिल गई थी. क्लियर है? तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये अलजेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे थे. अब क्या है, वेरिफिकेशन है. वेरिफिकेशन के लिए क्या था, हम अब क्या करें, मैंने नहीं बताया ना, ये अब देख लेते हैं. दोनों इक्वेशन में से कोई सा भी एक इक्वेशन जो कन्वीनियंट हो वो ले लेते हैं. ठीक है, तो जैसे सेकेंड इक्वेशन ही ले लिया, मेरे लिए वो कन्वीनियंट है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 ले लिया. तो अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और दिस इज RHS राइट हैंड साइड. ओके, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. हमें ऐसा देखना है कि x की वैल्यूज जो है वो वेरीफाई कर रही है या नहीं. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 49 अपॉन 29 है प्लस 2. y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 19 अपॉन 29 है. ओके, इक्वल्स टू 3. अब वेरीफाई करने का मतलब क्या है, जो इधर का टर्म है, LHS वाला टर्म है, वो इक्वल आना चाहिए इधर के राइट हैंड साइड वाले टर्म में, RHS वाले टर्म में. क्लियर है? तो मतलब ये 3 है तो ये तो 3 ही है. अब इसका सोल्यूशन अगर 3 आया तो ही ये क्या होगा, वेरीफाई होगा. मतलब हमारा x और y का वैल्यू करेक्ट है इन दोनों इक्वेशंस के लिए. क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. 49 बाय 29 प्लस
into 19 कितना हो जाएगा 38, 38 upon 29 equals to 3, ये तो 3 है, ओके, इधर आ जाते हैं हम, अब LCM ले लिए 29 का, क्या add हो जाएगा 49 plus 38 add हो गया, equals to 3, RHS 3 चलता आ रहा है, इन दोनों का addition करें 49 plus 38 is हो गया 87 upon 29 equals to 3, 29 ones and 29 threes are, which gives 3 equals to 3, which is true, that means LHS equals to RHS. The value of X and Y satisfy the both equation 1 and equation 2. Okay, that is clear. Now the verification is also clear. Now we directly jump to the exercise 3.1 in the next video. स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइस अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.